नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। वैष्णो देवी में भारी बारिश के चलते खिसकी चट्टान, हादसे में 4 तीर्थयात्रियों की मौत, 8 लोग घायल। दिल्ली मुंबई समेत पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे भारी बारिश का जताया अनुमान। खेलों के महाकुंभ रियो ओलंपिक की रंगारंग शुरुआत, अभिनव बिंद्रा ने की भारतीय दल की अगुवाई। आज शाम 7:30 बजे भारत आयरलैंड के बीच हॉकी का पहला मुकाबला। कांवड़ियों पर जेडीयू नेता शरद यादव का विवादित बयान, कहा कांवड़ियों की बढ़ती संख्या से बेरोजगारी का अंदाजा, विपक्ष ने लगाया शिव भक्तों की भावनाएं आहत करने का आरोप। आज जनता से सीधे संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहली बार टाउन हॉल प्रोग्राम में जनता के सवालों का देंगे जवाब। पाकिस्तानी जेल में एक बार फिर भारतीय कैदी पर हमला, जेल में बंद हामिद अंसारी पर 2 महीने में 2 बार हमले का आरोप, परिजनों के मुताबिक 3 साल की सजा के बावजूद 4 सालों से जेल में बंद है अंसारी। फ्रांस में वुआ शहर के एक बार में लगी भीषण आग, हादसे में 13 लोगों की मौत, 6 लोग जख्मी, आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।